गुनाह नहीं है, इट्स अ वेरी, ये बड़ी आम सी बात है. औरतें बच्चे संभालती हैं, अपना घर देखती हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारे मसले होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं. एग्जैक्टली, आपकी एज बढ़ती है, एज के साथ साथ आपका पूरा 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 बॉडी सिस्टम चेंज होता है. सेम विद मेन, आदमियों का भी यही होता है कि उनकी भी उम्र के साथ चीजें बढ़ती हैं. आपकी एज के ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव जो है उसमें बड़े मसले होते हैं. तो ये जो जाहिलियत है हमारी सोसाइटी में, हमारी हमें जो घरों में बता दिया जाता है कि बेटा ये वाली, अब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बगैर कहे समझ जाएंगे कि हमें लड़कियों को एक सर्टन चीज़ हो गई तो ओ इसके बारे में बात नहीं करनी. क्यों नहीं करनी? अगर आप एक शॉप पे एक चीज़ लेने जाते हैं एवरी मंथ, यू टॉकिंग अबाउट पैड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पैड्स, तो क्यों नहीं भाई? इट्स अ नॉर्मल थिंग. इफ अ गर्ल इज हैविंग पीरियड, इफ अ गर्ल इज हैविंग पीरियड्स, तो उसको उसको क्या कहते हैं उर्दू में, महावारी, महावारी, अगर वो है तो वो तो हेल्दी है, इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर वो नहीं है तो फिर वो बीमार है. बहुत ज़रा खतरे की बात है. उसमें सोचिए कि कुछ मसला है लड़की के साथ. अगर वो पैड्स लेने जा रही है तो उसको शर्माने की दुकान वाले से क्यों है जरूरत? मतलब 13 साल की जिंदगी से आपके ऊपर एक शेम का ठप्पा लगा दिया. Exactly. जाता है कि ओ कोई गंदी चीज. और अगर कोई औरत किसी थेरेपिस्ट के पास जाती है तो उसको शर्माने की जरूरत नहीं है. आई एम सॉरी, ये चीजें हमें बदलनी होंगी. वेल, मैं यहाँ पे तुम्हारी ही मूवमेंट को आगे ले जाते हुए, इफ दिस इज एन इश्यू व्हिच इज नियर टू योर हार्ट, कि मैं पिछले 10 साल से एंटी डिप्रेशन खा रही हूँ एंड आई गो टू अ साइकियाट्रिस्ट रेगुलरली. गुड. एंड आई फील मच बेटर आफ्टर. माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैंने ये जो इंटरव्यू किया है इसके बाद, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो क्लू इफ़ मैंने जितने लोगों के मुझे DM मेरे इंस्टाग्राम पे, बच्चे, बूढ़े, डॉक्टर्स, बच्चियाँ, मोस्टली मैन. एक तो होता है ना कि आप किसी और एंगल में बात करने की कोशिश करते हैं, नहीं, स्ट्रेट अवे के डॉक्टर्स के नंबर दे दें, हमारी मदद करते हैं. बहुत सारी औरतों ने बोला है आपके बोलने की वजह से हम बोलने लग गए हैं. इट्स नॉर्मल. इफ शी कैन टॉक अबाउट इट ऑन अ नेशनल टेलीविजन, व्हाई कांट वी? हम भी तो कर सकते हैं बात. हम अब डॉक्टर्स के पास जाने लगे हैं. तो मेरा तो मिशन इस तरह से कम्प्लीट हो रहा है. मुझे लगता है कि मैं किसी जगह जाऊँ तो मैं वो बातें करूं जो लोगों की और मेरे फायदे के लिए हूँ. मैं लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसने किसका डिज़ाइनर का जोड़ा पहन के अवार्ड में बैठ के क्या किया. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन किसको डेट कर रहा है. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसने किसको कितनी दफ़ा गालियाँ दी और कितनी दफ़ा किसकी कॉन्ट्रोवर्सी. आई रियली डोंट केयर अबाउट दीस थिंग्स. मुझे रियल इश्यूज़ पे बात करनी है. मुझसे अगर कोई बात करे, मैं लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे अपने, मुझे बहुत सारे लोग जब शोज़ में बुलाते हैं तो मैं उनको कह देती हूँ मुझे मत बुलाएं, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन यू हु इज़ गोना सिट एंड यू नो गॉसिप अबाउट थिंग्स. मैं हूँ नहीं कि मैं गॉसिप, मैं लोगों की बुराइयाँ करने के लिए नहीं आऊँगी. मेरे साथ बात करनी है रियल इश्यूज़ पर बात करें. अदरवाइज मैं बोरिंग इंसान हूँ. अगर आपने नचवाना है और एक दूसरे के टांग खिंचवानी है तो उसके लिए We have plenty of people in the business. अच्छा, एजिंग की बात करी थी कि एज के साथ साथ बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. Yes. एजिंग के साथ साथ हमें शोबिज में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. What do you have to say about that? I think पाकिस्तान में ऐसे लगता है जैसे 30 साल की उम्र आपने क्रॉस कर दी है तो आपने कत्ल कर दिया है किसी का, है ना? हाँ, आप तो मुजरिम बन गई हैं. आप तो 30, आपकी जरूरत भी कैसे, आप अच्छी कैसे लगी हैं? आप 40 से ऊपर हैं और आपने रेड लिपस्टिक लगा ली है. हाउ डेयर यू? एग्जैक्टली. अच्छा, हम बेसिकली एक बड़ी कंफ्यूज्ड किस्म की आवाम है. हमने हॉलीवुड को फॉलो करना है, हमने बॉलीवुड को फॉलो करना है, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि वो तो औरत को सीरियसली तब लेते हैं वो 30-35 की जब होती है. उससे पहले तो उसको कंसिडर ही नहीं करते. वो कहते हैं जस्ट अ किड, शी हैज नो एक्सपीरियंस, नो एक्सपोजर इन लाइफ. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, मेरे खुद के साथ होता है और मैं लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ आई रियली डोंट केयर. मुझे बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि आप अपनी उम्र सच्ची क्यों बताती हो, तो मैं कहती हूँ मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई? Why should I lie? I don't need to lie about my age. And if somebody is judging me because of the number, तो मैंने कहा वो तो वैसे ही out of my list, out of my way. मतलब वो तो मेरे तो किसी काम का वो लड़का हो या लड़की इंसान ही नहीं है. वो तो बहुत छोटी माइनर सी सोच रखता है. ओके. अच्छा, अब हम एक बीच में सेगमेंट डाल रहे हैं. Sure. ठीक है. और obviously you are a fashion icon. Thank you so much. And you've got so many awards for that as well. Yes. Awards पे भी बात करेंगे बाद में. ये मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम ले रही हूँ, इन्हें 1 to 10 इनकी स्टाइलिंग पे रेटिंग. आप चाहती हैं कि मुझे मारें ये सब? माहिरा खान. I like
द फैक्ट दैट शी प्लेज सेफ, शी बिलीव्स इन लेस इज मोर, व्हिच इज ट्रू. सो आई वुड गिव अ 8 आउट ऑफ 10. महवेश हयात 5 आउट ऑफ 10. दैट वाज क्विक. सबा कमर 7 आउट ऑफ 10. सोनिया हुसैन अगेन शी इज समटाइम आई फील शी ट्राइज टू हार्ड, बट फिर वही वाली बात है, एटलीस्ट इंजॉय तो करती है वो जो भी करती और अभी है. छोटी है शीलन, वेल इतने छोटे भी नहीं है खैर ये लोग, बट 7 आउट ऑफ 10 आई वुड से. ओके सजल 4-3 आउट ऑफ 10. या 3 आउट ऑफ 10. हुकैन सिस्टर्स दे आर ब्यूटिफुल, आई लव बोथ ऑफ देम, एंड दे आर द ओनली टू सिस्टर्स आई वुड लव टू स्टाइल. ओह रियली? या. Okay. Cobra? Cobra? Cobra. All right. What do you want me to say about her? Out of 1 out of 10. You want me to rate Cobra? Yeah. Out of 1 out of 10. All right. I don't know. I don't know how much. Okay. She's very pretty though. She's very cute. But I love her accent. Isiliye main sorry Cobra. I was not making fun of you. I was just having fun. Many kabhi, I think she's 3 out of 10. Okay. Aiman Manal. Again, I would love to style them. Okay. The beautiful kids. Beautiful, beautiful girls. They literally 1 out of 10? 1 out of 10? 3. Urva Mabra ka nahi bataya. Kya? Usko rate karna hai 1 to 10. Maine kaha na aapko, bas unko main style karna chahta. Number? Oh God, too tough. 4 out of 10. And Hajra Yami? She has her own style. I think she's... See, for me, style is not about just wearing clothes. Mm. It's about having a personality. That counts a lot. Okay. I'm going to give a 9 out of 10. Theek. Yeah. Achha, baat hume... And I will also give Myra and Sabha 9 out of 10. Okay. Yeah. Chalo, theek. And Naushin Shah? Naushin Shah. 10 but, out of 10. No, no. When it comes to me, there's no numbers. Aha. Yes. 100 out of 10, huh? No, there is no numbers. Achha, baat hum ye kar rahe the ki umron ki baat ho rahi thi. Haan ji. Maine note kiya aap lately apni umar se kuch bade roles kar rahi hain. Haan. Iski kya reason hai? Kyunki main aaye candy nahi hoon, main artist hoon. Okay. Yeah. एक आर्टिस्ट जो होता है उसको उसको एक अच्छा परफॉर्मर जो होता है उसको परफॉर्म अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए. सबको पता है मेरी एज क्या है, एवरीबडी नोज. तो वो तो कोई छुपी हुई बात है नहीं. तो मुझे तो अच्छा लगता है एजी कैरेक्टर्स करना. नहीं, एजी कैरेक्टर करना, लेकिन जो आपकी एज ही नहीं है और आप उसके ऊपर आपको क्या ये थोड़ा सा इस पे मुझे है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी गिला है इस पे. मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी कहती हूँ कि आप मुझे वो कैरेक्टर्स, एक दो दफ़ा ही किए मैंने, खैर इतने ज़्यादा नहीं किए. अभी जो मैंने किया है दीवारिश, अब उसमें एक अपना रोमांस था, इसका यंग पोर्शन था, देन शी यू नो तीसरी जनरेशन जो हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो माशाल्लाह उम्रों में भी मेरे जितने हैं और कद में तो मुझसे भी बहुत लंबे हैं. बट ये इसके लिए तो हाँ मैंने इसलिए की थी क्योंकि इसका अपना एक शुरू में यंग पोर्शन था.